हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज। ठीक है, जो टिश्यू क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है उसके ऊपर चलते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन या a group of cell which have same structure, origin and function, origin and function। देखो, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन या वे ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द सेम स्ट्रक्चर्स ओरिजिन एंड देयर फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। और जो टिश्यू जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? एंड्रयू। ठीक है, टिश्यू जो वर्ड दिया था एंड्रयू ने दिया था। लेकिन जो एनिमल टिश्यू की जब बात आती है तो वहां पे आएगा बाइचेट। किसका नाम आएगा? बाइचेट। ठीक है, मतलब बाई चैट ने चैट किया किसके साथ? एनग्रो के साथ। तो ये बात ध्यान रखना, एनिमल सेल बाई चैट। ठीक है, एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल टिश्यू की जब भी बात चलेगी वो किसकी चलेगी? बाई चैट की। और जो प्लांट टिश्यू की बात चलेगी वो किसकी चलेगी? एनग्रो। ठीक है, और जो स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी किस मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, द ब्रांच ऑफ साइंस इन डील द स्टडी ऑफ टिश्यू, तो कौन सी है? हिस्टोलॉजी। कौन सी ब्रांच होगी? वो हिस्टोलॉजी। ठीक है, और जो एनिमल टिश्यू के जो जनरल फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहे जाएंगे वो कौन? बाइचेट। और प्लांट के कौन कहे जाएंगे? एंग्रियो। ठीक है, इन्होंने टर्म दिया था। अब प्लांट और एनिमल टिश्यू की जो बात चल रही है इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है, तभी तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल टिश्यू के और प्लांट सेल को डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट वन हम इसको डिफ्रेंशिएट ही करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट वन क्या है? जो प्लांट सेल होते हैं स्टेशनरी एंड फिक्स होते हैं। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं? स्टेशनरी एंड फिक्स। ठीक है, मतलब मूवेबल फंक्शन है, इनके अंदर कम होता है, एक प्रकार से फिक्स रहते हैं, पोजिशन इसकी डिस्प्लेस नहीं होती इस वजह से। ठीक है, और जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? मूवेबल। अब इसके एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं वो इससे फिक्स स्पेस में होते हैं, और इसमें ब्लड, इसमें लिम्फ है, ब्लड है, वो सब कैसे होते हैं? मूवेबल, एक जैसे डिफरेंट मतलब स्टेज में ले जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली होते हैं डेड। ठीक है, पेरेंट टाइम में टिश्यू को छोड़कर मोस्टली क्या होते हैं? डेड टिश्यू होते हैं, मोस्टली डेड। लेकिन इसमें क्या होते हैं? मोस्टली लिविंग होते हैं। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन, इनकी जो प्लांट टिश्यू की जो बात करते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ है रिजिडिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग। दे हैव स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या होती है? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। इनके पास फिक्स वॉल्यूम होने को, फिक्स शेप होने, स्टेशनरी फेज होते हैं, कान के पास स्ट्रेंथ और रिजिडिटी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और फ्लेक्सिबल के साथ साथ कैसा कैरेक्टर मिलेगा इनके पास? मूवेबल कैरेक्टर मिलेगा, जो हम ऊपर भी कर चुके हैं। ठीक है, मूवेबल, क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं, जो प्लांट टिश्यू है वो सिंपल टिश्यू हम कह सकते हैं, मतलब लेस ऑर्गेनाइज है, लेस ऑर्गेनाइज्ड, या हम बोल सकते हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके पास कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी, या मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कौन से? प्लांट सेल, मतलब एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो। ठीक है, ये इनके डिफरेंशिएशन होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर एपिडर्मिस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लांट टिश्यू के और एनिमल टिश्यू के। ये डिफरेंशिएशन हो गए।
लेकिन आज हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू को, ठीक है। जो स्टार्टिंग जो टॉपिक में लेके चलेंगे वो कौन सा लेंगे, प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट वन अगर मतलब इसका डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन के प्लांट टिश्यू के अंदर, तो इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे इसके अंदर दो टाइप के टिश्यू स्टडी करते हैं, ठीक है। कौन सा फर्स्ट वन कौन सा है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मैथमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब किसके भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, और बेस ऑफ डिवीजन मतलब सेल डिवीजन, किसके बेस पे है ये, सेल डिवीजन के ऊपर, ठीक है। डिवीजन एबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, मैथमेटिक टिश्यू के पास होती है, सेल डिवीजन प्रॉपर्टी, सेल डिवीजन, या हम बोल सकते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी किसके पास होती है, मैथमेटिक टिश्यू के पास होती है, लेकिन ये मैच्योर सेल इनकैपेबल होती है, क्या होती है, मैच्योर जो सेल होती है, मैच्योर सेल इनकैपेबल टू डिवाइड, ठीक है। इसी व्याप के ऊपर मतलब क्लासिफाई किया है टिश्यू को, मैस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मैस्टमेटिक टिश्यू के अगर डिवीजन देखते हैं, मतलब व्याप ऑफ लोकेशन, तो मैस्टमेटिक टिश्यू टाइप होते हैं एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ठीक है। क्या होते हैं, लेटरल, और लास्ट वन क्या होगा, इंटरकैलरी, ठीक है, इंटरकैलरी। ये मतलब लोकेशन के व्याप पे है, मतलब जिस जगह प्रेजेंट होते हैं उसके व्याप पे, व्याप ऑफ लोकेशन एपिकल लेटर इंटरकैलरी है, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू के अंदर बात करते हैं तो ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड दूसरा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया, किससे भी आपने डिवाइड किया है, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब इसके पास सेम टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है। और सिंपल टिश्यू की अगर बात करेंगे तो इसके थ्री टाइप्स है, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ये तो आप सभी को पता होगा कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, कौन सा टिश्यू की बात चल रही है, प्लांट टिश्यू की बात चल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, मेस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेस्टमेटिक के थ्री टाइप्स है, व्याप ऑफ देयर लोकेशन, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू के क्लासिफाई है व्याप ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल में पैनकाइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गए, आज हम स्टडी करेंगे ओनली मेस्टमेटिक टिश्यू को, ठीक है। किसको स्टडी करेंगे, ओनली मेस्टमेटिक टिश्यू के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्मेटिक टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, शेप कैसे इनकी दे है, मतलब सेल कैसे प्रेजेंट होती है, ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल से, पॉलीगोनल से, ठीक है। जो इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओवल, राउंडेड एंड पॉलीगोनल शेप होती है, ठीक है। इंटरबिट इनके पास जो स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस अब्सेंट होता है, सॉरी, इंटर इंट्रासेलुलर स्पेस अब्सेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं मतलब इसके जो न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, इट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, कैसा न्यूक्लियस के पास, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, या हम बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पास जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जो सेल वॉल की बात करते हैं तो थिन सेलुलोज वॉल होती है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, थिन
सेलुलोज सेल वॉल बोल सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट, एक प्लांट जो टिश्यू मतलब सेल होती है उसमें, तो सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। अब इसके बात करते हैं साइटोप्लाज्म, इसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म अमाउंट कैसी होती है साइटोप्लाज्म की, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट होती है जिसके अंदर वैक्यूल अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स है हमारे, ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें अब्सेंट होंगे, वैक्यूल्स, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसके पास जो मेन कैरेक्टर की बात करेंगे तो दे हैव ग्रेट पावर ऑफ सेल डिवीजन, दे हैव ग्रेट पावर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। मतलब ये हो गए मैथमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर एग्जाम के अंदर आते हैं तो पॉइंट वाइज लिखे ताकि मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस हो और आपको इजीली याद भी हो जाएगी। कैसे? जो सेल शेप कैसी है, मतलब सेल ये जो शेप कैसी है, सेल शेप, सेल शेप बात चल रही, क्या है, ओवल राउंडेड पॉलीगोनल से, इंट्रासेलुलर स्पेस अब्सेंट, इट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, सेलुलोज सेल वॉल, साइटोप्लाज्म स्मॉल अमाउंट, वैक्यूल अब्सेंट, दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन या सेल डिविजन, ठीक है। ये हो गए से कैरेक्टर्स किसकी बात, किसकी, मैस्टमेटिक टिश्यू की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बिहाफ ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। मैस्टमेटिक टिश्यू टाइप्स की अगर बात कर रहे हैं तो किसकी बिहाफ पे करेंगे, पहले ओरिजिन के बिहाफ पे करेंगे। तो ओरिजिन के अगर क्या है, प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम, ठीक है, फिर क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम, और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। अच्छा, प्रोमेरिस्टम की अगर बात करते हैं तो प्रोमेरिस्टम क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक लेवल पे डेवलपमेंट जो होती है, मतलब जो बिगनिंग जो लेयर होती है, मतलब बिगनिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है, बिगनिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो, मतलब जिसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी बिगनिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो, जिसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये आफ्टर सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, ये प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर, किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर, और प्राइमरी मेरिस्टम डेवलप करेगा, मतलब क्या डेवलप करेगा, एपेक्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, लीव्स, ठीक है। जिस मतलब प्रोमेरिस्टम क्या है, एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर जो सेल डिवीजन अकर होता है, जो उसमें बात करेंगे जैसे पेलुमले है और रेडिकल है, जहां से सेल मतलब रूट और सूट मतलब स्टेम डेवलप होता है, ठीक है। और प्राइम मेरिस्टम क्या है, जहां से उसका ओरिजिन होगा, मतलब अपेक्स ऑफ रूट जो डेवलप होगी, स्टेम ओरिजिन होगा, लीव्स के अंदर इंटरनोड्स वगैरह जो डेवलपमेंट होते हैं किससे होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम से। फिर बात सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करेंगे तो लेटर इन साइड द परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, इन साइड द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जिसके जो सेल डिवीजन बाद आते हैं वो बाद में करते हैं, ठीक है, कहां होता है, लोकेटेड इंटरनली अलोंग द साइड ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है, रूट एंड स्टेम, और जिससे क्या कवर बनता है, कोर फॉर्मेशन बनता है, क्या बनेगी, कोर फॉर्म होगी, और जिसको क्या बोलते हैं, फेलोजन, क्या बोलेंगे, फेलोजन, ठीक है। मतलब कोर जो आउटरमोस्ट जो कवरिंग होती है कोर, वो बनेगी फेलोजन, मतलब हार जो छाल होती है पेड़ की, वो किससे बनती है, सेकेंडरी मेरिस्टम से बनती है। फिर चलते हैं, मतलब अब ये तो बात ही ओरिजिन पे, ओरिजिन, बिहाफ ऑफ ओरिजिन, अब आते हैं बिहाफ ऑफ लोकेशन,
क्योंकि लोकेशन स्टडी किया था, तो टाइप्स वे ऑफ लोकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, एपिकल, तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, प्रेजेंट एट अपेक्स, अपेक्स, ठीक है। कौन सा अपेक्स हो सकता है, रूट, सूट, स्टेम बोल सकते हैं इसको हम, एंड लीफ अपेक्स, ठीक है। फिर आता है लेटरल, ठीक है, प्रेजेंट एट साइड बाय साइड, ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है, साइड बाय साइड ऑफ द टिश्यू, साइड बाय साइड ऑफ द स्टेम और रूट, ठीक है। और जिसकी वजह से किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, थिकनिंग के रिस्पॉन्सिबल होता है, थिकनिंग बढ़ाता है इसकी, वही प्रकार से पेड़ की जो मोटाई है वो इंक्रीज कौन करवाता है, लेटर। और ये क्या इंक्रीज करवाते हैं, ये लेंथ इंक्रीज करवाते हैं, मतलब ये ग्रोथ करवाएंगे अपवर्ड, ठीक है। जैसे मान लो ये स्टेम है, मतलब प्लांट है, ठीक है, प्लांट के अंदर जो साइड बाय साइड जो प्रेजेंट होगा टिश्यू कौन सा है, इंटरकैलरी, सॉरी लेटरल, और ये जो इस अपेक्स की बात करेंगे तो कौन सा है, एपिकल, और इंटरकैलरी आएगी तो मतलब नोड इंटर नोड के बीच में, ठीक है, इंटर जो कैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट नोड और इंटर नोड ऑफ लीव्स, ठीक है, नोड इंटर नोड के जो लेव्स होती है वहां पे प्रेजेंट होता है कौन सा, इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। ये हो गया बिहाफ ऑफ द लोकेशन। अब बिहाफ ऑफ किसकी बात करते हैं, ओरिजन हो गया, लोकेशन हो गया, उसके बाद इसके पैन का कोलन का, अब करते हैं इसके जो फंक्शन की बात करते हैं, जो सेल डिवीजन जो फंक्शन होगा इसका, ठीक है, मतलब इसका जो मैस्टम का ये तो थे मतलब टोटल इसके डिवीजन। अब बात आती है इनके फंक्शन, क्योंकि मैस में टिश्यू के अगर पूरा कंप्लीट करे तो फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, इसका सॉरी फंक्शन के यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन द जो क्लासिफिकेशन है मैस में टिश्यू का, बेस्ड मैस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है, मैस में टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बिहाफ पे भी है, बिहाफ ऑफ देयर फंक्शन, बिहाफ ऑफ देयर फंक्शन। तो बिहाफ ऑफ देयर फंक्शन की बात करेंगे तो कैसा है, प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम, लास्ट वन क्या है, ग्राउंड मेरिस्टम टिश्यू, ग्राउंड मेरिस्टम टिश्यू, प्रोटोडर्म, जो प्रोटोडर्म मतलब प्रो मतलब फर्स्ट और डर्म मतलब लेयर, तो मतलब आउटरमोस्ट जो कवरिंग होती है, एपिकल जो कवरिंग होती है, ठीक है, मतलब ये फिर से फॉर्मेशन होता है एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टम फॉर्मेशन होगा, या हम बोल सकते हैं एपिडर्मिस जो लेयर फॉर्मेशन होती है टिश्यू की हेल्प से होती है, प्रोटोडर्म। प्रोकैम्बियम, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ जिसकी वजह से फैलोजन फॉर्मेशन होती है, मतलब इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी मतलब किसके अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर जब डिवीजन अकर होगा, ठीक है, मतलब ग्रोथ अकर होगी तो क्या बनेगा, फैलोजन बनेगा, ठीक है, फैलोजन फॉर्मेशन होगा, फैलोजन मतलब कॉर्क फॉर्मेशन होगी। अब ग्राउंड मेस्टर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या फॉर्मेशन बनेगी, पिथ, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, जो इनर मोस्ट जो कवरिंग मतलब इनर जो सेल फॉर्मेशन होती है जो ग्राउंड के टिश्यू की, जब एनाटॉमी हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, पीथ, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, वो किसमें होता है, या किसके हाथ से होता है, ग्राउंड मेरिस्टम टिश्यू, मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड मेरिस्टम टिश्यू, क्योंकि बिहाफ ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। अब अगर ओवरऑल की बात करते हैं मेरिस्टम टिश्यू के फंक्शन क्या है, तो उसमें फर्स्ट वन तो यही आना चाहिए क्या, ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू है तो क्या करवाएगा, ग्रोथ, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी फर्स्ट वन क्या है, ग्रोथ, फिर क्या है, डिवाइड करता है तो क्या फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म न्यू ऑर्गेन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेन, ठीक है,
फॉर्म द ग्रोथ एंड डिवाइडिंग टिश्यू. जो फंक्शन मतलब इसका मेन क्या है, इट इज डिवाइडिंग टिश्यू, को डिवाइड कर रहा है. जब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक से आप फंक्शन मान के चल सकते हैं डिवाइडिंग टिश्यू. ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करेंगे तो कैसा है, ये फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, फॉर्म कॉर्क, आउटरमोस्ट जो कवरिंग एंड वुड. ठीक है, कॉर्क एंड वुड फॉर्मेशन करता है और इट हैज इन वाउंडेड ऑफ एनर्जी इंजर्ड ऑर्गन. ठीक है, जो जहां पे इंजरी आकर हो रही है वहां पे क्या है, उनको वाउंड करता है, तो वाउंडेड टिश्यू के रूप में हम बोल सकते हैं. ठीक है, वाउंडेड टिश्यू बोल सकते हैं किसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. ठीक है, ये हो गए इसके फंक्शन. तो इसी के साथ हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो हो जाता है कंप्लीट. नेक्स्ट पे हम स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू.